सेवा कार्य बल्लूर जा रहे थे, बगल में एक बच्ची साइड हुई, साइड के बाद हाईवा का जो बगल में साथी रोड का जो स्लैब था वो फट गया, उसका चक्कर नीचे चला गया, उससे बच्ची का पैर पूरा दब गया था। शहर में टला भीषण हादसा, अनियंत्रित हाईवा ट्रक के चपेट में आने से छात्रा सहित दो लोग हुए गंभीर घायल। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के अति व्यस्त अघोरिया बाजार की घटना, मौके पर मची अफरा तफरी की स्थिति, पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाली ट्रक को। खबर बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से आई है, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक बालू लदी हुई हाईवा ट्रक के अनियंत्रित होकर के मकान में जा घुसी है, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। वहीं इस घटना में चपेट में आने से एक छात्रा गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जबकि उसको निकालने का एक अन्य व्यक्ति भी इसकी चपेट में आने से जख्मी हो गया। घटना में दोनों ही घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, जबकि क्रेन मंगवाकर बालू नदी हाईवा को निकालने का काम में जुटी हुई है। आज एक हाईवा गाड़ी बल्लूर जा रही थी, बगल में एक बच्ची साइड हुई, साइड के बाद हाईवा का जो बगल में साथी रोड का जो स्लैब था वो फट गया, उसका चक्कर नीचे चला गया, उससे बच्ची का पैर पूरा दब गया था, उसमें वो इसको निकाल के इलाज के लिए भेजा गया। हाँ सर, सामान हटाया जा रहा है। और एक हाईवा के निकालने के क्रम में भी एक घटना हो गई है। हाँ, जेसीबी से निकालने के क्रम में हल्का हल्का चोट या कुछ पैर पर लगा है, एक व्यक्ति को लग गया है। आज एक हाईवा गाड़ी बल्लूर जा रही थी, बगल में एक बच्ची साइड हुई, साइड के बाद हाईवा का जो बगल में साथी रोड का जो स्लैब था वो फट गया, उसका चक्कर नीचे चला गया, उससे बच्ची का पैर पूरा दब गया था। शहर में टला भीषण हादसा, अनियंत्रित हाईवा ट्रक के चपेट में आने से छात्रा सहित दो लोग हुए गंभीर घायल। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के अति व्यस्त अघोरिया बाजार की घटना, मौके पर मची अफरा तफरी की स्थिति, पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाली ट्रक को। खबर बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से आई है, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक बालू लदी हुई हाईवा ट्रक के अनियंत्रित होकर के मकान में जा घुसी है, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। वहीं इस घटना में चपेट में आने से एक छात्रा गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जबकि उसको निकालने का एक अन्य व्यक्ति भी इसकी चपेट में आने से जख्मी हो गया। घटना में दोनों ही घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, जबकि क्रेन मंगवाकर बालू नदी हाईवा को निकालने का काम में जुटी हुई है। आज एक हाईवा गाड़ी बल्लूर जा रही थी, बगल में एक बच्ची साइड हुई, साइड के बाद हाईवा का जो बगल में साथी रोड का जो स्लैब था वो फट गया, उसका चक्कर नीचे चला गया, उससे बच्ची का पैर पूरा दब गया था, उसमें वो इसको निकाल के इलाज के लिए भेजा गया। यहाँ पर सब कुछ ठीक है? हाँ सर, सामान हटाया जा रहा है।